तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम दिखाएंगे 80 घाट का नज़ारा, जो है कि वाराणसी में टोटल तो 84 घाट हैं, जिसमें कुछ प्रसिद्ध घाटें हैं जैसे राजघाट, नामो घाट, दशा अश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। उसमें से भी एक प्रसिद्ध घाट ये है 80 घाट। तो आप लोगों को आज 80 घाट के कुछ नज़ारे दिखाएंगे और इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और यहाँ पे गंगा उस पार टेंट सिटी भी बन रहा है, तो आप लोगों को टेंट सिटी का भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। और अभी हम हैं फिलहाल गुदौलिया चौराहे पे, जो सामने देख सकते हैं दो पहिया वाहन पार्किंग। अगर दो पहिया से अगर आप लोग आते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था की गई हुई है। और ये साइड भी सेम बिल्डिंग है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, आज के दिन भी यहाँ पे डेली भीड़ ही रहता है गुदौलिया चौराहे पर। कुछ नज़ारे जो आप लोग देख सकते हैं, संडे का दिन है और आज भी काफ़ी मात्रा में भीड़ है। और यहाँ से सीधे चले जाएंगे ये बाजू राइट साइड, तो आप चले जाएंगे दशा अश्वमेध घाट, सामने लिखा हुआ है, और विश्वनाथ मंदिर जो 2 किलोमीटर है। और हम अभी चलेंगे 80 घाट, जो यहाँ से 3 किमी है, मतलब 3 किलोमीटर है यहाँ से 80 घाट। तो चलिए, यहाँ पे ये वाला रिक्शा तो मिल जाएगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ई रिक्शा तो नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, उसका चलना मुश्किल है। तो देखते हैं पैदल या फिर इस रिक्शे से निकलते हैं। और वाराणसी के तो घाटों में कुल टोटल 84 घाट हैं, जिसमें से प्रसिद्ध घाटें हैं वो है दशा अश्वमेध घाट, 80 घाट, नामो घाट, राजघाट, मणिकर्णिका घाट, ये सारे प्रसिद्ध घाटें हैं। और यहाँ वाराणसी में टोटल 84 घाटें हैं। तो चलिए आप लोगों को 80 घाट के नज़ारे दिखाते हैं, और आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। थोड़ा बहुत आप लोग वीडियो देखते हैं, बैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पर बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं 80 घाट एरो का निशान है, तो ये सीधा 80 घाट चला जाएगा। घाट पे आते हैं तो यहाँ पे दो पहिया वाहन पार्किंग भी है, आप लोग यहाँ पे अपना वाहन पार्क करके और आगे से एंट्री करके जा सकते हैं। हम अभी आ चुके हैं 80 घाट पे, ये यहाँ पे देख सकते हैं गेट बना हुआ है मेन रोड पे। और इधर कुछ रेस्टोरेंट है, जिसमें एक शुद्ध शाकाहारी वाला है ठेठ बनारसी बाटी चोखा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जिनको लिट्टी चोखा खाना है वो एकदम शुद्ध शाकाहारी है, यहाँ पे आ सकते हैं। और भी बहुत सारे फूड्स और टी के स्टॉल हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं सीन बहुत ही ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरा दिख रहा है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखने के लिए मिलता है। और गेट के पास ही इधर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है सुबह बनारस, सुबह ए बनारस यहाँ पे है। चलिए अभी आप लोग को दिखाता हूँ, सेल्फी पॉइंट है सुबह बनारस, बहुत ही शानदार सेल्फी आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बना हुआ है, शाम को यहीं पे आरती वगैरह होता है और 6 बजे यहाँ पे आरती होता है। और इधर आप लोग देखेंगे तो नौका विहार काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा और अंदर का सीन दिखाते हैं। और इधर पे है बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए झूला भी लगा हुआ है और स्लाइडर है जो बैलून वाला है, और भी सारे इक्विपमेंट्स हैं। काफ़ी सारे लोग देखिए नौका विहार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नाव है जो फूलों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इधर भी सारे नाव लगी हुई हैं और इधर बच्चों के लिए झूला है जो झूल रहे हैं। ये बहुत ही शानदार फूलों से सजाया गया हुआ है, देखिए आप लोग को जूम करके दिखा रहे हैं। अभी तो ये चल नहीं रहा, बंद है, शायद कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए हो सकता है सजाया गया हुआ हो। और आप लोग गुदौलिया चौराहे से आते हैं तो आसानी से ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि 15 से 20 रुपए लेता है। और उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो रिक्शा उक्शा चलता है, नहीं तो बंद हो जाता है, क्योंकि स्पेशल कुछ दिन रहता है तो उस दिन ज़्यादा ही भीड़ होता है। तो वहाँ से हमको 20 रुपये लगा है आने में। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो पे आप लोग। और यहाँ पे बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए छोटे छोटे चार एडवेंचर लगे हुए हैं। एक तो ये स्पंज मतलब कूदने वाला है, जंपिंग करने वाला, एक छोटा वाला ये झूला है, और एक वो स्लाइडर है जो बलून वाला है, बिल्कुल हवा भर के खड़ा किया जाता है, उस पर चोट लगने का कोई डर नहीं है। और वहाँ छोटा सा है ड्राइव वाला छोटा सा है।
और यहाँ पे घाट घूमने के लिए बहुत सारी बोट मिल जाएगी, जो कि आप लोग को 50 से 100 रुपए में सारे घाटों का दर्शन करवाएंगे नाव में बैठे बैठे। तो आप लोग उसी नाव में यात्रा करें दर्शन करने के लिए बैठे, जिसमें वो रेड वाला जो ब्लैंकेट है सेफ्टी ब्लैंकेट वो मिले, उसी में आप लोग को बैठना है, क्योंकि आगे क्या पता क्या भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपना सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसमें ही बैठें। यहाँ पे हम नाव में बैठ चुके हैं और यहाँ पे ये यही वाला सेफ्टी ब्लैंकेट होता है, इसको अगर नहीं मिले तो बैठना उचित नहीं है। और इसमें हम बैठते हैं और उस पार जाने के लिए 30 रुपया लगेगा, और उस पार से जाना आना है तो 50 रुपया लगेगा, और सारे घाट घूमना है तो 100 रुपया चार्जेस है, जो काफ़ी सारे लोग बैठ रहे हैं और हम भी बैठ गए। हमको जाना है उस पार, और उस पार से आना है 2-3 घंटे बाद, तो इसलिए हम 30 रुपये देंगे इनको। आ चुके हैं, अभी हमारा नाव किनारे लगने जा रहा है। और अभी फिलहाल हम इस पार आ चुके हैं और यहाँ पे ऊंट राइडिंग और घोड़े का राइडिंग कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज है। और इधर रेती में आप लोग ले जा करके घुमाएगा और घूम के वापस इधर आएंगे। और यहाँ पे टी, मैगी का स्टॉल और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप मैगी खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे भेल वगैरह, देखिए ये भेल का स्टॉल है। यहीं पे देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है वो थोड़ा अभी दूर है, तो वहाँ पे टेंट सिटी बन रहा है और काम अभी प्रोसेस में है। और इधर आप लोग देखेंगे जो वाइट वाइट दिख रहा है वो काफ़ी कुछ काम हद तक बन चुका है, वहाँ पर टेंट सिटी करीब ज़्यादा काम हो चुका है, बन चुका है। चल रहे हैं उस पार रस्सी घाट के तरफ, पूरा नाव फुल। हम अभी उस पार से इस पार घूम करके आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रखा गया है आरती के लिए, जो यहाँ पे गंगा आरती होगा, शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है। और अभी से आरती देखने के लिए काफ़ी सारे लोग अपना स्थान ले रहे हैं, बैठ रहे हैं। यहाँ पे होगा 6 बजे से आरती, यहाँ इधर भी और उधर भी लगा हुआ है आगे तक। एक बार अपने घर को सोचिए, एक बार देख के देखिए, एक बार चेंजेस पे बात करिए। अगर लड़का को बहन बोलते घर से कि बाबू भैया एक इससे अपनी खुशी और राजना मार्केट में जाएंगे तो जरूर आएगा पेपर में लपेट के, जब दुकान वाला उस चीज़ को खुलेआम रख रहा है तो आपको वो ला के देने में क्या दिक्कत है, जब वो पैकेट के अंदर पैक करते हैं आपको नहीं पता है वो कैसे होता है, आपको नहीं पता है कि उस खून के कारण आप पर मेरा जन्म हुआ है, अगर वो खून इतना शुद्ध है तो आप और हम अशुद्ध हैं, लेकिन उसमें भी आप छोड़ देते हैं। और ये यहाँ पे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप के लिए जो लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं उन लोगों का जागरूकता अभियान के लिए कुछ अभियान चला रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे
लोगों का ऐसा जो है कि रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो बढ़िया रहता है, जब भी ब्रेकअप होता है तो MMS वायरल होता है, कुछ अदर होता है या हत्या कर दी जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए वो जागरूकता के लिए कुछ ऐसा अपना वो अभियान चला रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी है कि आप लोग भी जागरूक होइए जितने भाई बहन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।